Hey guys, what's up? Welcome back to the channel, everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. So there is a good news. मेरा कॉलेज में एडमिशन हो चुका है. काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने के बाद आखिरकार एट लास्ट हो गया. ये राजबिहारी एवेन्यू में, राजबिहारी मोड़ से थोड़ा आगे लेक मार्केट, आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे. वहाँ जो कॉलेज है चारूचंद्र कॉलेज, वहाँ पे हुआ है. अभी कॉलेज नहीं दिखाऊंगा मैं, कुछ टाइम बीतने दीजिए, उसके बाद मैं अपना कॉलेज दिखाऊंगा आप लोगों को. तो अभी फ़िलहाल चलते हैं थोड़ा बुक खरीदने के लिए, फिर कॉलेज स्ट्रीट जा रहा हूँ मैं और मेरे पापा जा रहे हैं. कॉलेज स्ट्रीट जाके थोड़ा बुक खरीद के आता हूँ. और आज मेरा पहला दिन था कॉलेज में, हालांकि आज हाफ डे था, आज प्रॉपर क्लास नहीं था, दो ही सब्जेक्ट्स का क्लास था. तो मंडे से प्रॉपर क्लास चालू होगा. सो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद. अभी तो पहुंच गया ऑलमोस्ट, अभी अभी बस से उतरा मैं और पप्पा जी मेरे. तो अभी पहले थोड़ा एटीएम जाना है, उसके बाद फिर जाएंगे मार्केट में. मार्केट तो शायद पहुंच ही चुका है. ये पहली दफ़ा मैं आया हूँ कॉलेज स्ट्रीट में आज. ओके, चलते हैं थोड़ी देर पहले अंदर. अंदर चल के ये आगे थोड़ी देर बाद मिलते हैं. सो हियर वी आर इन द कॉलेज स्ट्रीट बुक मार्केट. वर्ल्ड का, जहाँ तक मुझे पता है, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट सेकेंड हैंड बुक्स मार्केट है ये. अगर कोई ऐसा बुक है जो यहाँ पर नहीं मिलता है, तो वर्ल्ड के किसी भी कोने पे आपको नहीं मिलेगा ये वो बुक. हो सकता है या तो एग्जिस्ट ही ना करता हो, या फिर प्रिंट होना ही बंद हो गया हो. तो अभी चलते हैं, थोड़ा अपना काम का चीज़ ले लेते हैं, लेने के बाद फिर मिलते हैं. तब तक आप लोग थोड़ा मार्केट को एंजॉय कीजिए. बुक खरीदना तो हो गया. अभी एक ऐसा जगह जा रहा हूँ जहाँ पे शायद हर नॉस्टैल्जिक बंगाली का जान बसता है. हाँ, ये जगह हर वो बंगाली पहचानता होगा जो मन्ना दे का गाना सुना होगा. मन्ना दे का आप जानते ही होंगे, फेमस सिंगर. चलिए पीछे देखिए क्या पहचान पाते हैं. अगर नहीं समझे तो आप बता देता हूँ, ये है कॉफ़ी हाउस. जी हाँ, काफ़ी लोग आप लोग जानते होंगे कॉफ़ी हाउस. बहुत ही पुराना है, कितने कौन से साल में बना है मुझे भी नहीं पता ठीक से, बाद में पता करके आप लोगों को बताता हूँ. बाहर से में शायद गेट पे लिखा होगा, वहाँ मैंने देखा नहीं, देख के बाद में फिर बताता हूँ आप लोगों को. अभी थोड़ी देर बैठते हैं, बैठ के थोड़ा कॉफ़ी एंजॉय करते हैं, करके फिर वापस मिलता हूँ. कॉफी हाउसेर सेई আগারনে কোথায় হারিয়ে গেল সোনালি বিকেল গুলো সেই আগারনে. তো অলমোস্ট এক ঘন্টা, হ্যাঁ এক ঘন্টা হোগা, তো লগভগ এক ঘন্টা ওয়েট কর রে. হ্যাঁ, তো এক ঘন্টা ওয়েট করনে কে বাদ আব জাকে সিট মিলা হ্যায়. পাপা বহুত দের সে বোল রে থে, পাপা থোড়া নস্টালজিক হো গয়ে হ্যায়, বোল রে থে পহলে पापा के जब स्ट्रगलिंग डेज चल रहे थे तब आते थे फ्रेंड्स के साथ. लास्ट शायद आए थे पापा 84 में ना, 88 में, 1988 में पापा लास्ट आए थे. सो यहाँ आने के बाद पापा बहुत ज़्यादा खुश है. मुझे बहुत दिन से मन था
यहाँ आने का, मैंने भी मानना देखा वो गाना सुनने के बाद ही यहाँ आने का जिद पकड़ा था। मैं काफ़ी छोटी उम्र में जिद पकड़ा था इधर आने का, बट मौका नहीं मिलता था। अब जाके मौका मिला है तो अभी थोड़ी देर बैठेंगे, अभी ऑर्डर करना है, ऑर्डर करने के बाद फिर देखते हैं फिर क्या करना है। अभी आएगा तो फिर यहाँ से निकल के सीधा घर ही जाना है, तो अभी थोड़ी देर बैठते हैं हम लोग दोनों, थोड़ी बातें करते हैं और फिर मिलते हैं। तो अभी अपना खाना आ गया है, मतलब खाना तो नहीं, अपना नाश्ता आ गया है। और ये अपना नाश्ता गया नहीं है ना अभी तक, तो अभी अपना कॉफी नाश्ता तो ख़त्म हो गया है, अभी कॉफ़ी लेना है। पापा देख रहे हैं कुछ और पसंद आता है कि नहीं पापा को, मेन्यू कार्ड बहुत देर से देख रहे पापा, लेकिन मैंने अपना तो सिलेक्ट कर लिया है। अभी कॉफ़ी आता है फिर दिखाता हूँ क्या लिया हूँ। मतलब फर्स्ट टाइम आया हूँ लेकिन वाकई में जगह बहुत पसंद आया मुझे। तो अभी फिर थोड़ी देर बाद देखता हूँ क्या करना है। अभी अपना शायद कॉफ़ी आ रहा है तो फिर थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। एंड हियर इट कम्स आवर कॉफ़ी एंड पकौड़ा। पप्पा को पकौड़ा पसंद है तो लाया गया। अभी कॉफ़ी और पकौड़ा इंजॉय करते फिर घर चलते हैं। सो अभी बाहर हम लोग, मतलब कॉफ़ी हाउस से बाहर आ गया है। अभी ये तो मार्केट है वही जहाँ पे हम लोग थे अभी थोड़ी देर पहले, कॉलेज स्ट्रीट बुक मार्केट। बाई गॉड कमाल का दिन गया आज मेरा। सुबह को फर्स्ट डे कॉलेज था, नया एक्सपीरियंस हुआ, बहुत ही अच्छा लगा, नया नया फ्रेंड बना, कमाल का लगा। कॉलेज भी बहुत अच्छा है, माहौल भी बहुत बढ़िया है कॉलेज का। शाम को बुक लेने के बाद आज की सैटरडे इवनिंग कमाल की गई। वीकेंड का इवनिंग इतना अच्छा मेरा इस बार शायद पहली बार गया। सो पापा जी आप कुछ कहना चाहेंगे मेरा इवनिंग इतना खूबसूरत बनाने के लिए आज? हाँ बोलो, नहीं कहना है क्यों? अरे आप अपना शाह के पापा हो, कुछ तो बोलो। नहीं बोलना है क्यों? अरे इतने बड़े ब्लॉगर के पापा हो आप, थोड़ा तो बोलो कैसा लगा आपको मेरा दिन इतना अच्छा बना के। हम बहुत दिन से सोच रहा था कि तुमको लेके कभी और जाऊंगा, तो वो आशा हमारा पूर्ण हो गया। मेरा भी आशा पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया, पूर्ण नॉट पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया। सो ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट एंड योर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। सो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, खाना आप लोग को बता, नहीं खाना है नहीं तो खरीद के खा लीजिएगा। ओके सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर जिस दिन भी टाइम मिलेगा। एक्चुअली अभी कुछ दिनों तक कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा झमेला चल रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था मैं, इसलिए व्लॉग करने का टाइम नहीं मिला मुझे। एकदम बहुत टेंशन में था, कॉलेज में एडमिशन हो नहीं रहा था। अभी हो गया है तो अभी थोड़ा माइंड हल्का हो गया है, अभी अक्सर व्लॉग आएंगे जब भी कहीं जाऊँगा। और हाँ, और एक बात, मैं कुछ कुछ कोलकाता के टूरिस्ट स्पॉट्स पर व्लॉग बना चुका हूँ। आप लोग बताइए कि किस पर व्लॉग बनाना चाहिए, मुझे कुछ ठीक से पता नहीं है ज़्यादा, आप लोग बताइए। मैं कोशिश करूँगा वहाँ जाने का, कमेंट सेक्शन में बताइए, वहाँ जाके व्लॉग करने का मैं कोशिश करूँगा। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तो पापा जी बोलिएगा मेरे साथ, नहीं बोल पाइएगा नहीं, एंडिंग मेरा व्लॉग का एंडिंग नहीं। अच्छा पापा को अभी तक याद नहीं हुआ ठीक से, इतना दिन हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करना अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, विच आई नो कि आपको अच्छा लगा होगा वरना यहाँ तक आप लोग देखते नहीं, तो बिल्कुल लाइक करके ही जाना, लाइक करना कंपलसरी है। सो लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और बटन तो दबा ही देना, बेल रिंग कर देना वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और मुझे फेसबुक पे, मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कीजिए, आपको दोनों नाम यहाँ वहाँ दिख जाएंगे, दो साइड में दो नाम दिख जाएंगे, मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट, इंस्टाग्राम हैंडल का नाम और मेरे फेसबुक पेज का नाम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, अलविदा, सायोनारा, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी माई लवली फ्रेंड्स।
নিখিলেশ প্যারিসে মইদুল ঢাকাতে নেই তার আজ কোনো খবরে গ্র্যান্ডের গিটারিস্ট গোয়ানিজ ডিসুদা ঘুমিয়ে আছে যে আজ কবরে কাকে যেন ভালোবেসে আঘাত পেয়েছে শেষে পাগলা গারবে আছে রমারায় অমলটা ধুকছে দুরন্ত ক্যান্সারে জীবন করেনি তাকে ক্ষমা কফি হাউসের সেই আটটা টাকা